वेलकम टू माय यूट्यूब न्यू ब्लॉग खाना खजाना। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और सूजी के केटलेस। चलो गाइस देखते हैं कैसे बनाती हूँ। ये है आलू, ये है सूजी, ये है कट किया हुआ धनिया, ये है मिर्ची, ये है पुदीना और एक्स्ट्रा उसमें कट किया हुआ धनिया डालना पड़ता है। ये है बवा अजमा, ये है तेल, ये है जीरा, ये है लेमन जूस और मसाले अकॉर्डिंग के हिसाब से डालेंगे। मैंने लिए चार आलू, उसमें हम डालेंगे सूजी एक कटोरी, थोड़ा सा तेल, फिर डालेंगे अजमा, फिर डालेंगे जीरा और फिर डालेंगे सूखी मिर्च पाउडर आता है ना वो, फिर डालेंगे नमक, नमक हमारे हिसाब से डालें और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा आधा चम्मच चाट मसाला, फिर हम लेंगे मिक्सर और इसमें डालेंगे धनिया, हरा वाला धनिया और फिर इसमें डालेंगे मिर्ची, ज़्यादा तीखी है तो थोड़ी सी डालें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डालेंगे पुदीना, पुदीना बहुत सारा होना चाहिए और फिर हम इसको मिक्सर में पीसेंगे। तो गाइस मैंने ये मिक्सर में उसको पेस्ट बना ली है और फिर इसमें डालेंगे ये सब धनिया मिर्ची और पुदीना, ये तीनों ही हमको मिक्सर में बहुत बिना पानी के पीसना पड़ेगा। और फिर हम रखेंगे एक पैन गैस के ऊपर और फिर इसमें डालेंगे तेल। और गाइस ये तेल गर्म होता है तब तक हम बनाएंगे उसका मसाला। ये देखो इसको हाथ से ही ऐसे करना है, इसे मिक्स करेंगे। अगर बीच में थोड़ा सा पानी छूट रहा है तो उसके अंदर थोड़ी और सूजी मिलाएं। बहुत ही अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं। देखो गाइस ये बन चुका है हमारा पेस्ट, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए तो फिर तेल छोड़ेगा इसके अंदर। और फिर हमने वो कट करके धनिया रखा था वो डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा डाले लेमन जूस, ऐसे आटा जैसे लगाना है जैसे रोटी का आटा लगाते हैं हल्के हल्के हाथों से। देखो गाइस और गाइस क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाना है ताकि हाथ पे ना चिपके और फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे हाथ में लेना है और ऐसे गोल 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 ऐसे बनाना है। देखो गाइस खाने में बहुत 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 सारा टेस्टी है, ये सॉस के साथ भी खा सकते हैं और इसके साथ में चटनी भी होती है पुदीने की, इसके साथ ग्रीन वाली चटनी भी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी अलग से। और मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग है आप बहुत सारा प्यार मुझे दे सपोर्ट करें, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मुझे मेरा आपको अच्छा लगे। तो गाइस देखो तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा भी गर्म मत करना, थोड़ा सा नॉर्मल और धीमी आँच पे पकाए क्योंकि फूल आँच में पचास पकाएंगे तो जल जाएंगे, उसको धीमी आँच में पकवाना है। खाने में बहुत 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 टेस्टी है, ये नाश्ता हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, कोई मेहमान आता है तब भी बना सकते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट भी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। जब भी चाट खाने का मन करे तो ये बना के ज़रूर ट्राई करें। देखो गाइस इसका कलर एकदम रेड जैसा कलर चाहिए,
ये तेल भी नहीं छोड़ते हैं। सो गाइस देखो बन गया है आज केटलिस, देखो कितना सॉफ्ट कितना क्रंची है, आप खुद देख सकते हो, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और मुझे कमेंट करें, और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी। आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमेशा बनाए रखें, और मुझे आपको क्या पसंद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे राजस्थानी डिश भी आती है, बहुत सारी ऐसी रेसिपी आती है, आपको जो पसंद है वो मुझे बताएं। थैंक यू।